नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। APS यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की छात्रा रंजन यादव बाण सागर केनाल नहर में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। SGRF की गोताखोर उनकी टीम लगातार बरामद करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि वीडियो में SGRF के जवान ने खुद बयान दिया है कि पुलिस का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है, यह पुलिस विभाग की घोर लापरवाही कही जाएगी। यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लड़की के पिता रामलाल यादव ने बताया, जब उसका मोबाइल लोकेशन मिलना बंद हो गया तो फिर पुलिस की मदद ली। कल डूब गई है, यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रामीण लोग एकत्रित हैं और SDRF की टीम जो है लगातार सर्चिंग में लगी हुई है। अभी तक लाश बरामद नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर दिखाइए, आइए थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे SDRF की टीम जो है, गोताखोर लोग जो है लगे हुए हैं। हाँ, उनके घर परिवार के कौन हैं? आइए भैया, आ जाइए। अच्छा, आपकी सुपुत्री है, बिटिया है, क्या पढ़ती थी? कॉलेज करती, फर्स्ट ईयर में थी। तो कल वो कॉलेज आई और इसके बाद छुट्टी लेके चली आई। हाँ, फिर मैप में देखते रहे। हाँ, यहाँ तक आई, SF-4 का पता चला। अच्छा, SF-4 के बाद गायब हो गई है ना? तो आपको ये जानकारी कैसे हुई, कब हुई? मैप के कारण। फिर आपने पुलिस सहायता ली? हाँ। कहाँ पे रिपोर्ट किया आपने? BCA थाना में। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट करके सर्चिंग चालू की है ना? और आपको क्या लगता है कि किसी ने बच्ची को उठा के फेंका है? हाँ, वो अपने से आत्महत्या की। अच्छा, वो अपने से आत्महत्या की है। क्या पीछे से कोई, पहले इसी की वजह रही होगी, रिजल्ट वगैरह? हाँ, अनायास ही वो आके आत्महत्या कर ली है ना? आपका शुभ नाम सर? रामलाल यादव। आपकी सुपुत्री है? मेरे साथ में रामलाल यादव जी हैं। इन्होंने बताया कि इनकी बिटिया कॉलेज से आने के बाद SF-4 तक उसकी लोकेशन मिली, इसके बाद उसकी लोकेशन मिलना बंद हुई। इन्होंने बिछिया थाने को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि SDRF की टीम सर्चिंग में लगी हुई है, अभी तक बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। और लड़की के पिताजी को आशंका है कि बिटिया ने शायद आत्महत्या कर ली है। ये हमारे साथ में SDRF टीम के सदस्य लोग हैं, जो कि हम लोगों के जीवन रक्षक हैं और सभी आपदा विपदा दुर्घटना में यही लोग काम आते हैं हमारे। और सर, आप बताएं कि आप लोग कितनी देर से सर्चिंग में लगे हुए हैं? हमको तो कल सूचना मिली थी रात को 3:30 बजे। जी, 4 बजे हम लोग यहाँ, 4:15 बजे आ गए। जी, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण जी कल सर्चिंग नहीं हो पाई थी। हाँ, यहाँ वहाँ देख लिए थे, पर पानी बंद करवाया गया नहर द्वारा। जी, ऊपर से पानी बंद हुआ, फिर आज सुबह 8 बजे आ गए हम लोग सर्चिंग चालू कर। अपनी तरफ से कांटा वाटा लगा के हथौड़ा दिए हैं, अभी तक यहाँ कुछ मालूम नहीं हुआ। भी ये टर्बाइन का कांटा इसको चालू करवा दिए, जो डेट में होगी तो डेट आ जाएगी साथ। जी सर, और ये बताइए, यहाँ पर पुलिस का तो कोई जवान नहीं दिख रहा? कितनी देर से पुलिस नहीं है यहाँ पे? पुलिस मैं जब से आया हूँ तब से अभी नहीं आई है। अच्छा, चलिए जानकारी दे। आपका शुभ नाम? विनीत शुक्ला नाम है। जी, खबर समय जगत से ब्यूरो चीफ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे पुलिस का एक सिपाही तक नहीं आया है, जबकि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। खबर समय जगत से ब्यूरो चीफ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।